अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। संतान कभी कभी ये भूल जाती है दर्पण की भांति स्वच्छ हो। महादेवी दो वस्तुएं ऐसी हैं। नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगी। ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है। दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। यदि होने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की। हाँ महादेवी, यही नियम है, जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। कमलनयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है और आप जो करते हैं वही उचित होता है। महादेवी, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती है, आवश्यकता और लालसा, जो मनुष्य को किसी भी प्रकार का समझौता करने पर विवश कर देती है। दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता। पार्थ, जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ आता किसी भी काम का पीड़ा उठाता है, उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है।